संजीव जी, जैसा कि आप शायद मेरे उस चैप्टर में जो मैंने डायल डी फॉर डॉन में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि उसको जब हैंडओवर किया गया तो उसके आंखों पर पट्टी थी, और जब पट्टी उसने उसकी खोली गई तो वो सनलाइट में वो बिल्कुल उसकी आंखें चौंधी आ गई। तो उसको कुछ वक्त लगा, उसको भी और उसके साथी राजू अनदकट को कुछ वक्त लगा अपने उस उजाले में अपने को एडजस्ट करने में। खैर, जब एक बार ये वो आप बात कर रहे हैं 10 फरवरी 2002 की, दो और जी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जी 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 तो उसके बाद जब उसका उसकी आंखें ठीक हुई, रोशनी को से वो एडजस्ट हो गया, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज वहां खड़ा है और एक इंडियन पुलिस ऑफिसर उसके सामने खड़ा है। और उसको ये बात समझ में आ गई कि अब उसको वापस हिंदुस्तान ले जाया जाएगा, और ये जो उसको लाया गया है एयरपोर्ट पर, वो हैंडओवर करने के लिए लाया गया है। तो पहला जो एक्सचेंज था हमारे और उसके बीच में, वो तो बिल्कुल वो बिल्कुल ही हक्का बक्का था। उसको वो एक भी शब्द कह नहीं पाया। उसके बाद उसको कहा गया कि तुम हवाई जहाज में बैठ जाओ। दोस्तों, ये बुलंद आवाज है दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर आईपीएस नीरज कुमार की। वही नीरज कुमार जो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए दुबई की मांड में मुंह दबाकर छिपे बैठे हिंदुस्तान के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन आफताब अंसारी की जन्म कुंडली जमाने में सबसे पहले बनाने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आज 19-20 साल बाद मैं, यानी आज आपका दोस्त संजीव चौहान, TV9 डिजिटल के पॉडकास्ट की इस विशेष कड़ी आफताब अंसारी कल, आज और कल में इसी अपराधी का बेबाक जिक्र करने जा रहा है विशेष सीरीज के जरिए, यानी एक के बाद एक कई एक्सक्लूसिव कड़ियों में। मेरी ईमानदार कोशिश होगी कि आपको आइंदा भी मेरे द्वारा पेश की जाने वाली इस विशेष सीरीज की बाकी कड़ियों में आपको सुनवा सकूं इस अंडरवर्ल्ड डॉन को दुबई से भारत की सीमा में घसीट लाने वाले सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर की एक्सक्लूसिव बातचीत। उर्दू का एक अल्फाज है आफताब, जिसे हिंदी में सूरज कहते हैं। इस विशेष कड़ी में मैं अपराध की दुनिया के उसी खूंखार डॉन आफताब अंसारी का जिक्र कर रहा हूं, जो इस खूबसूरत इंसानी दुनिया में सूरज सा चमक तो नहीं सका, मगर कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर भी कभी दिल में खबर नवीस यानी पत्रकार बनने की हसरतों को किसी हिरन के बच्चे किसी कुलाचे मरवाने वाला बीते कल में जर्नलिज्म का छात्र रह चुका यह लड़का कालांतर में कुख्यात किडनैपर और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन जरूर बन बैठा। क्राइम का किस्सा की इस कड़ी में मैं उसी खूंखार अपराधी आफताब अंसारी की जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने आपके साथ। वही आफताब अंसारी जो कालांतर में इंटरनेशनल स्तर का पहले तो मास्टरमाइंड किडनैपर बना और फिर बाद में अंडरवर्ल्ड डॉन बन बैठा। आफताब अंसारी की जिंदगी के तमाम अनछुए अनकहे पहलुओं को छूने की मेरी कोशिश किसी अपराधी का महिमा मंडन करने की कतई नहीं है। मकसद है कि आइंदा कोई और हिंदुस्तानी नौजवान तबाही के ऐसे दलदल में उतरने से बच सके। जमाने में कोई और युवा आफताब अंसारी से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के खतरनाक रास्तों पर चलने से पहले ही बचाया जा सके। TV9 डिजिटल के श्रोता जान और समझ सकें कि नौजवानी में पत्रकार बनने की तमन्नाएं दिल में संजोने वाला बीते कल का आफताब अंसारी सा कोई नौजवान आखिर इंसानों के ही खून का प्यासा क्यों और कैसे बन बैठा? क्यों बन बैठा वो अपने ही वतन यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन? TV9 डिजिटल के श्रोताओं को मैं सुनाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको दुनिया के चंद दिलेरों में शुमार उन दमदार और 1976 बैच के पूर्व IPS अफसर नीरज कुमार की बुलंद आवाज एक बार फिर सुनवाना जरूरी समझता हूँ, जिन नीरज कुमार की जेब में बाकी तमाम पुलिस अफसरों की भीड़ से अलग इस खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन की जन्म कुंडली हमेशा सबसे पहले मौजूद मिली। 7 जनवरी 2022 यानी शुक्रवार को TV9 डिजिटल को हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में बेबाक नीरज कुमार बोले, बाकी जो मेरे टीम के बाकी लोग थे वो लोग ऑलरेडी हवाई जहाज में बैठे हुए थे, सिर्फ मैं था टारमैक पर। तो ये लोग सीढ़ियों से ऊपर एयरक्राफ्ट में बैठ गए, और एक सीट ऐसी थी एयरक्राफ्ट में जिसके सामने, ठीक सामने एक और सीट थी, उसी सीट पर उसको बिठाया गया, उसके सामने मैं बैठा। मतलब आप और आफताब अंसारी के चेहरे हवाई जहाज में आमने सामने थे।
बिल्कुल। एक और चीज हुई थी इस बीच में, जबकि इन दोनों को हैंडओवर किया गया तो कुछ दवाइयों का एक बैग था छोटा सा, वो भी हैंडओवर किया गया और उससे मैंने देखा कि इंसुलिन है। वो दवाइयां किसकी थी, किसने और कहां हैंडओवर करी और किसकी दवाइयां थी जो आपको? नहीं, एयरपोर्ट पर ही जबकि इसको हैंडओवर किया जा रहा था तो साथ में इन लोगों का थोड़ा पर्सनल सामान था जो ये खुद उठाकर ले गए और मुझे उसकी दवाइयां दी गई कि ये इसकी दवाइयां हैं, ये आप आफताब अंसारी की दवाइयां दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हाँ, मुझे दे दी गई। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ सिरिंजेस थे और इंसुलिन था, तो मैं समझ गया कि ये जो है ये डायबिटिक है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है। तो मेरा जो रवैया इसकी तरफ था वो तुरंत थोड़ा सा सॉफ्टन हो गया क्योंकि मैं भी डायबिटीज से पीड़ित हूँ और मुझे लगा कि ये एक फेलो डायबिटिक मेरे सामने आ गया, तो मेरा जो रुख था वो थोड़ा सख्ती से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और ये जो सॉफ्ट होने से इनफैक्ट वो हमारे लिए बेहतर ही हुआ क्योंकि फिर मैं उससे उतनी सख्ती से नहीं, बहुत उससे नरम तरह से बात कर रहा था, तो वो उसको लगा कि कोई ऐसी मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी और मेरे से बहुत आराम से बात की जा रही है। तो फिर खुलकर अपने जीवन की कहानी उसने मुझे बताना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने उससे पूछा वो धीरे धीरे बताना शुरू किया। दोस्तों, ये आवाज कहिए या फिर मोहजवानी भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस के उन्हीं पूर्व आईपीएस नीरज कुमार की है जो 1990 और 2000 के दशक में भारत के इस भगोड़े गैंगस्टर ऑन द वर्ल्ड डॉन, अमेरिका और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड रहे। आफताब अंसारी को दुबई से घेर कर 10 फरवरी सन 2002 को दिल्ली ले आए थे। पॉडकास्ट की इसके बाद आने वाले दिनों में लगातार रोजाना पेश की जाने वाली बाकी तमाम कड़ियों में श्रोताओं को इस विशेष सीरीज के जरिए आफताब अंसारी की जिंदगी के और भी तमाम उतार चढ़ाव की बेबाक बिलाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यह मगर संभव तभी हो सकेगा जब आप TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी तो याद रखेंगे। आफताब अंसारी जो बीते 2 दशक से हिंदुस्तान की एक जेल से दूसरी जेल के चक्कर काट रहा है, किसी क्लेशी अवैध सुरक्षा वाली जेल के अंदर भी हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा बेबसी लाचारी के आलम में इंसानों की दुनिया का जहन्नम कही जाने वाली हिंदुस्तानी जेलों की काल कोठरियों में, हिंदुस्तान की उन जेलों में जिनके बारे में कहते हैं कि जिनकी सलाखों में मुजरिम को सिर्फ और सिर्फ जिंदा रखने भर का इंतजाम किया जाता है ताकि जेल की अंधेरी तन्हा काल कोठरियों में कैद रहकर अपराधी द्वारा किए गए उसके गुनाहों की सजा उसे तिल तिल घुट घुट कर हासिल कराई जा सके। आफताब अंसारी की जिंदगी में ईमानदारी से झांकने के लिए चलना पड़ेगा अब से करीब 54 साल पहले यानी 5 दशक पीछे, मतलब सन 1960 के दशक के अंत में। 1968 वही साल था जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला मुख्यालय के लल्लापुरा इलाके में आफताब अंसारी का जन्म हुआ था। परिवार में थी माँ, एक बड़ा भाई और 4 छोटी बहन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद आफताब ने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए दाखिला ले लिया। पत्रकार बनने का कीड़ा भी उसके जहन में कई वजहों से कुलबलाया था। पहली वजह थी उसका बड़ा भाई अनवर अहमद जो पेशे से आधा वकील और आधा अधूरा पत्रकार था। वाराणसी शहर में बड़े भाई की पत्रकारिता में धमक रुतबा जलवा देखते हुए ही आफताब अंसारी ने होश संभाला था, लिहाजा आफताब के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा कि हो ना हो अपने हाथ में बेताहाशा ताकत रखने के लिए पत्रकार बन जाने से बेहतर और सरल दूसरा कोई रास्ता जिंदगी में हो ही नहीं सकता। साथ ही आफताब अहमद यह भी जानने समझने लगा था कि वकील और पत्रकारिता के पेशे की आड़ में उसका बड़ा भाई अनवर अहमद अपने बाकी तमाम काले कारनामों पर भी चादर डाल पाने में सक्षम हो चुका था। तो दोस्तों, TV9 डिजिटल के पॉडकास्ट में पेश विशेष कड़ी अंडरवर्ल्ड डॉन आफताब अंसारी कल, आज और कल में आज इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल यानी इसके बाद अगली मतलब दूसरी कड़ी में आपको सुनवाऊंगा 2 दशक से हिंदुस्तानी जेल की सलाखों में कैद कुख्यात आफताब अंसारी की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं से जुड़ी अंदर की कहानी, जिनसे आपको पता चलेगा कि कैसे आफताब को अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने में उसके बड़े भाई अनवर अहमद की ही रही थी मुख्य भूमिका, और कौन था जरायम की दुनिया की बारीकियां सिखाने पढ़ाने वाला आफताब अंसारी का गुरु दिनेश ठाकुर, और कैसे गुरु दिनेश ठाकुर की रूह कपा देने वाली मौत ने आफताब अंसारी को अब से करीब 25 साल पहले कर डाला था अकाल मौत के खौफ से
बेखौफ।